तो जी दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ 5 एंड्रॉयड अमेजिंग एप्स। और जी दोस्तों, आप इन सभी एप्स के बारे में जानकर आप एकदम हैरान हो जाएंगे। सो अगर आप इन सभी एप्स के बारे में जानना चाहते हैं और यूज करना चाहते हैं, सो आप इस वीडियो को देखते रहिए। सो नमस्कार दोस्तों, मैं राजाराम प्रसाद और आप देख रहे हैं सीखे ऑल इन हिंदी। तो जी दोस्तों, हमारा इस लिस्ट में फर्स्ट एंड्रॉइड ऐप है, वो है हमारा फेक नोटिफिकेशन। और जी दोस्तों, आप इस ऐप की मदद से आप किसी का भी फेक नोटिफिकेशन ला सकते हैं। तो वो कैसे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जाना है आपको क्रिएट ए सेक्शन में, और यहाँ पे आपको जिस भी पर्सन का आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, यहाँ पे आप नाम लिख दीजिए, कहाँ से चाहते हैं, यहाँ पे आप ट्विटर लिख दीजिए, और यहाँ पे आप मैसेज लिख दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे उस लोगो चूज कर सकते हैं जहाँ से आपने चूज किया है मैसेज के लिए। तो यहाँ पे मैं ट्विटर चूज करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ एंड ओके। जैसे ही यहाँ पे आप गो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक मैसेज मिल जाएगा एंड दैट्स इट। और अगर आप चाहते हैं कि और भी मैसेज नंबर 2 नंबर 3 भी अगर आप चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने मैसेज 2nd और 3rd भी लिख दिया है, और यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे एक मैसेज मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने मैसेज 2nd और 3rd लिखा, प्लीज़ राजाराम, हेलो राजाराम प्लीज, और इतना लिखने के बाद आपको मैसेज मिल जाएगा। तो आप इस तरह के कांड कर सकते हैं इस ऐप की मदद से। तो 2nd ऐप है वो हमारा फ्लूटिंग ऐप, और इस ऐप की मदद से आप किसी भी वीडियो को आप बैकग्राउंड में म्यूजिक की तरह यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप एक एंड्रॉयड पिक्चर एंड पिक्चर मोड भी यूज कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। वो कैसे, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है जिसे भी आप देखना चाहते हैं वीडियो, जिस भी वीडियो देखना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ अपने चैनल का वीडियो, और यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया, और यहाँ पे मैंने कोई भी वीडियो प्ले कर दिया, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है बैकग्राउंड में, और यहाँ पे आपको एक दिख रहा है पॉपअप यानी कि पिक्चर एंड पिक्चर मोड। यहाँ पे आप बैकग्राउंड में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपका ये वीडियो बैकग्राउंड में म्यूजिक बजना शुरू हो जाएगा, और आप इसे कट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप पॉप पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप पिक्चर एंड पिक्चर मोड यूज कर सकते हैं बड़े ही आराम से। और आप इसे अगर आप कट कर सकते हैं, और कट करके आप अगर ब्राउजिंग करते हैं, तो वहाँ भी आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं। और सिंपली अगर आपको कट करना हो, तो यहाँ पे आप इस तरह से आकर यहाँ पे आप इसी ऐप में और वापस से इसे कट कर सकते हैं, दैट्स इट। तो इस लिस्ट में हमारा 3rd ऐप है, वो है हमारा फाइंड सर्च टूल। तो दोस्तों, इस ऐप की मदद से आप किसी का भी नंबर सर्च कर सकते हैं यहाँ पे डालकर। अगर आपको उसका 6 डिजिट नंबर याद है और 4 डिजिट याद नहीं है, तो आप चाहते हैं कि वो 4 डिजिट मुझे मिल जाए, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जाना है इस 3rd वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग में, और यहाँ पे आपको चेंज व्हाट्सअप नंबर, और यहाँ पे आप जो भी एक नंबर चूज कर लीजिए, यहाँ पे डालकर आप ओके पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे आप इसे ओके कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आप बैक में आकर यहाँ पे आप सर्च पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जितने भी इस नंबर वाले नंबर होंगे, सारे नंबर यहाँ पे आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। और इस तरह से आप किसी का भी नंबर फाइंड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं व्हाट्सएप में। अगर आपका व्हाट्सएप फ्रेंड कम है, आप चाहते हैं किसी और फ्रेंड को जोड़ना, तो आप इस ऐप की मदद से बड़े ही आराम से कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा 150 कॉन्टेक्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मुझे 150 नंबर जो की है वो बहुत सारे मिल गए। यहाँ पे कुछ यहाँ पे गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज हैं, तो वो आप अपने से देखकर चैटिंग शुरू कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट ऐप है, वो है हमारा इंडिविजुअल चैट। जी हाँ दोस्तों, इस ऐप की मदद से आप किसी का भी मैसेज आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं, और आप उसका यहाँ पे रिप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने मैसेज किया, यहाँ पे मैं आपको इसे मैसेज को रीड करता हूँ, और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा लास्ट सीन पे। तो देख सकते हैं मैंने इतनी सारी चैटिंग की, बातें की, और यहाँ पे मेरा लास्ट सीन अपडेट नहीं हुआ। यहाँ पे आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपका लास्ट सीन अपडेट नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं आप अपने फ्रेंड से, आप किसी से भी प्राइवेट में चैट करना, तो आप इस ऐप की मदद ले सकते हैं। तो जी दोस्तों, हमारा इस लिस्ट में नेक्स्ट ऐप है, वो है हमारा डिसेबल फिंगरप्रिंट। तो जी दोस्तों, इस ऐप की मदद से आप अपना फिंगरप्रिंट डिसेबल कर सकते हैं कुछ समय के लिए। लेकिन अगर आप इसे यूज क्यों करें, तो आप इसे यूज कर सकते हैं अगर आपका फ्रेंड है जो कि आपसे मजाक कर रहा है, और आपका हाथ लेकर और यहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट पर दबाकर आपका फिंगर अनलॉक कर सकता है आपके फिंगर से, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका फ्रेंड आपका अनलॉक भी कर देगा इस तरह से। तो आप इस तरह से इसे एक्टिव करके आप अपना फिंगरप्रिंट कुछ समय के लिए डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जब आप सोए हैं, आप अपना मोबाइल नहीं यूज कर सकते हैं, उस समय आप
इसे एक्टिव करके आप इसे छोड़ देंगे और उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट डिसेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ परमिशन देनी होगी, तो चलिए मैं आपको दे देता हूँ। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका स्क्रीन लॉक हो जाएगा और आपका फिंगरप्रिंट काम करना बंद कर देगा। और जैसे ही आप इसे इस तरह से अनलॉक करेंगे और आप अपना पिन या फिर आप पैटर्न डालकर ऐसे अनलॉक करेंगे और आपका अनलॉक हो जाएगा फ़ोन और आप इस तरह से इस ऐप को यूज कर सकते हैं और आप अपना सेफ्टी यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन पांचों में से कोई भी अगर ऐप पसंद आई और आप इन ऐप्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा जहाँ से आप इन ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन एंड गुड बाय।